मिशन जयमन चैनल में आपका स्वागत है। कुछ स्टूडेंट मैसेज किए थे कि सर क्लास 11th एंट्रेंस के बारे में कोई टिप्स बता दीजिए और जनरल अवेयरनेस में क्या आता है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल्स दे दीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है, इसलिए क्योंकि अब 13 मई को तो पेपर ही है, दो तीन दिन बचे हैं, आज 10 मई हो चुका है। तो आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे टाइम लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, मैथ के फॉर्मूलाज पढ़ लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। और थोड़ा बहुत जो टाइम बचता है वो जनरल अवेयरनेस पर देख लीजिए, जैसे अभी के फ़िलहाल में जो रिसेंटली करंट अफेयर वो देख लीजिए। ज़्यादा इसमें डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इस पर वीडियो दो तीन बनाया, बीए बीएलएलबी बीकॉम और क्लास 11th में भी पूछा जाता है। जैसे स्पोर्ट्स के बारे में देख लीजिए आप, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जो हाल ही में हमारे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कौन चांसलर बने हैं, सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन चांसलर बने हैं, इनके बारे में एकदम याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे। क्योंकि पिछले बार पूछा था कि नजमा अख्तर को यानी जामिया के वाइस चांसलर को कौन सा अवार्ड मिला था, पद्मश्री मिला था, ठीक है। तो वैसे ही हो सकता है इस बार करंट अफेयर में ये पूछ दे कि इस बार जो चांसलर बने हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वो कौन बने हैं, तो वो सैफुद्दीन मुफद्दिस हैं जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी चांसलर है। तो ये याद रखिएगा, और भी छोटे मोटे जो करंट अफेयर है उसको भी पढ़ लीजिएगा जो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। और मेरा यही है कहना यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। और करंट अफेयर तो बस 10 नंबर के ही आते हैं जीके और करंट अफेयर मिलाकर, तो ज़्यादा जीके और करंट अफेयर पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हाँ देखना है तो आप देख सकते हैं आप करंट अफेयर, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि आप उस पर ध्यान दीजिए। स्पोर्ट्स के बारे में देख लीजिए और थोड़ा सा फुल फॉर्म देख लीजिए, जैसे नाटो का फुल फॉर्म क्या है, या हेडक्वार्टर्स देख लीजिए, अवार्ड्स एंड ऑनर देख लीजिए। तो मेरा जो कहना है सिर्फ आप रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे इंग्लिश हुआ, इंग्लिश 25 मार्क्स का आता है उस पर ध्यान दीजिए, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथ पे, ये सब पे आप ध्यान ज़्यादा दीजिए ताकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। और रही बात करंट अफेयर की, तो आप थोड़ा बहुत उसका देख सकते हैं, जैसे हेडक्वार्टर्स देख लीजिए किसका कहाँ पे है। ये भी कन्फर्म नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ आए करंट अफेयर में, करंट अफेयर बहुत ब्रॉड है, कुछ भी आ सकता है करंट अफेयर में, ठीक है। हेडक्वार्टर्स हो गया वो देख लीजिए, स्पोर्ट्स देख लीजिए, अवार्ड एंड ऑनर देख लीजिए किसको कौन कौन सा अवार्ड मिला है, जो 2022 के मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड कौन कौन बनी, वो सब देख लीजिए। थोड़ा बहुत करंट अफेयर इतना काफ़ी है आपके लिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पूछेगा, और पूछेगा भी तो वो आप कितना भी पढ़ लीजिए वो आने वाला है नहीं, क्योंकि जामिया इसी तरीके से ही पूछती है करंट अफेयर, वो जानबूझ के टफ बनाती है, और आसान बनाएगी तो सब कर लेंगे। तो बेहतर है आप कि ज़्यादा जो मार्क्स गेनिंग है, जैसे इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सब पे ज़्यादा फोकस करें। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए, हम उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, 13th मई को 10 से लेकर 12 तक साइंस का है, फिर कॉमर्स का और आर्ट्स का है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज पर ध्यान दें। क्लास 11th में जामिया का कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको 100 में से 100 क्वेश्चन आपको टिक करके आना है। ये नहीं कि माइनस मार्किंग आप समझकर 85 नंबर ही आप टिक करें, क्योंकि आपको वहाँ पर बताया भी जाएगा क्लासरूम में कि 100 में 100 टिक करें तो कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, और उसमें आपको पेपर के ऊपर लिखा भी रहता है कि देयर इज़ नो माइनस मार्किंग इन क्लास 11th एंट्रेंस। तो आप देख लीजिएगा और 100 में 100 कर कराइएगा। अगर आपको कोई डाउट भी लगेगा तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि सर इसे माइनस मार्किंग तो नहीं है, तो सर बता देंगे आपको क्लासरूम में ही। और इसी तरह की वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।